मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे और दही का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। आप इस नाश्ते को कभी झटपट से बना के खा सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों के टिफिन के लिए झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और ये मैंने यहाँ पर एक कटोरी गेहूँ का आटा ले लिया है। आटा इसमें डाल देते हैं। आधी कटोरी हम इसमें मैदा डाल देते हैं और एक कटोरी हम इसमें दही डाल देते हैं। तो अब हम इनको पहले दही में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ पर एक कप पानी ले लिया है, तो इसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। हमें इसका थोड़ा सा पतला बैटर बनाना है। धीरे धीरे करके पानी डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े, अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए, बैटर हमने बना लिया है। हमें बिल्कुल इस तरह की स्मूथ कंसिस्टेंसी का इसका बैटर बनाना है। तो अभी हम इसमें बाकी की और चीजें डाल देते हैं, अगर हमें जरूरत होगी तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर ये एक मीडियम साइज का प्याज लिया है। प्याज को मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देते हैं। दो मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले ली हैं, इसमें से मैंने बीज निकाल दिए हैं। और दो मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियां ली थी थोड़ी सी बड़ी साइज में, और इस तरह से मैंने इनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट इस तरह से जब हम इसको फ्रेश डालेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हम यहाँ पर ये शिमला मिर्च डाल देते हैं। अब हम इसमें ये बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां डाल रहे हैं। मैं यहाँ पर धनिया की पत्तियां थोड़ी ज्यादा डाल रही हूँ, आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल देते हैं, इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1/4 चम्मच हम इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं, यानी कि चिल्ली फ्लेक्स। और आधी चम्मच नमक डाल देते हैं, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें। आधी चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। एक टेबल चम्मच हम इसमें जीरा डाल देते हैं और 1/4 चम्मच हम इसमें ये आमचूर का पाउडर डाल देते हैं। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे बहुत ही बढ़िया थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आएगा। आप चाहे तो इसकी जगह नींबू भी ले सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास कोई और भी सब्जी है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी आप देख सकती हैं, तो ये मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी बैटर जो है थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमें बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, बैटर बन चुका है। हमें बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का इसका थोड़ा सा पतला बैटर बनाना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये बैटर थिक भी नहीं है। तो बैटर हमारा बन चुका है। तो अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। बैटर को रखे हुए यहाँ पर 5 मिनट हो चुकी हैं, आप देख सकती हैं बैटर अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ, नाश्ता बना लेते हैं। तो अब हम गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे, पैन की जगह आप यहाँ पर तवा भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। तो अब हमने जो बैटर बनाया है, बैटर में से हम 2 स्पून भर के हम बैटर डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा फैला देते हैं। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से नीचे से सेकने देते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो ऊपर से चेंज हो गया है, यानी कि नीचे से सिक चुका है। तो थोड़ा सा हम ऑयल ऊपर से इसमें लगा देते हैं। तो अब हम इसको पलटेंगे, तो हमें इसको सावधानी से पलटना है ताकि ये टूटे ना। ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आ गया है नीचे से। तो इसी तरह से हम इसको दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो अब हम इसको फिर से पलटेंगे। साइड से भी इसका कितना अच्छा कलर आ गया है, दोनों साइड से काफी अच्छे से सब सिक चुका है।
तो अभी हम इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी कर लेंगे इस तरह से। तो ये अच्छे से दोनों साइड से सेक चुका है, ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। तो अब हम इसको निकाल देते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा सेकेंगे। से अच्छे से सिक चुका है, देखिए काफी अच्छा इसका कलर आ गया है। तो अब हम इसको भी निकाल देते हैं। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनके तैयार है। आप इसको अपनी मनपसंद सॉस या हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।